Welcome to Campus Prom. Today we are going to Shri Dashamesh Academy, a residential cum date boarding school affiliated to CBSE board. A member of the prestigious IPSC is accredited to ISO 9001:2008. It is situated in the foothills of Shivalik Hills in Shri Anandpur Sahib. The foundation stone of the academy was laid by the former President of India, Shri N. Sanjana Reddy, on 24 September 1978. Late Sardar Prakash Singh Badal is the chairman of this academy. The academy has been established to cater to the development of the qualities of leadership with emphasis on character building and discipline among its students. Special emphasis is led to prepare the students for entry to armed forces through NDA, for which extra coaching is held from the commencement of the session. Major General J.S. Kumar is the director of the academy. In the last 4 decades, the academy has grown leaps and bounds and can boast of countering the growth challenges in the field of education by providing quality education to the rural masses of Punjab. It is an inspiring and natural scenic environment of Shri Anandpur Sahib. On the occasion of the great result of the 10th and plus 2 class, our team talked to the Director Sir, Major General J.S. Kumman, student of this academy and also staff of this academy, which is very hardworking. So let's visit Shri Dashamesh Academy, Anandpur Sahib. Dashko Punjab Plus channel पे आपका स्वागत है. आज हम आए हैं Dashamesh Academy, एक ऐसा नाम जिन्होंने creation की है, world class students जो है इंडिया को दिए हैं, सेवा में लगे हुए हैं. हमारे साथ हैं जनरल साहब. सर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में. थैंक यू सर. क्या कहना चाहेंगे कि अभी जैसे 10th और प्लस 2 के जो CBSE के एग्ज़ाम्स हैं, जिनमें बहुत बड़ा जो है एक मील पत्थर इस Dashamesh Academy ने बनाया है, क्या कहना चाहेंगे कि 22-23 का जैसे जो पीरियड था, जिसमें सारे लेक्चरर्स ने, सारे टीचर्स ने और आप लोगों ने मिलकर बहुत बड़ी सेवा यहाँ एकेडमी में की, और उसका रिज़ल्ट ये है कि हम देख सकते हैं कि कितने बढ़िया रिजल्ट्स जो हैं इस Dashamesh Academy ने दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? एकेडमी का जो एकेडमिक रिज़ल्ट हमारा 12th का 10th का आया है, हालांकि पिछले 2 साल कोविड के दौरान काफ़ी नुकसान हुआ बच्चों का, बच्चों की आदतें बदल गईं, उनके काम करने का तरीका, पढ़ने का तरीका बदल गया, लेकिन स्टाफ की मेहनत से रिज़ल्ट हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पहले से बेहतर रहा. हमारा ऑलमोस्ट 90% से अबव स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट क्लास एंड अबव, और 75% पाने वाले करीब 60% बच्चों का 75% से ऊपर स्कोर था. तो मैं कह सकता हूं कि पिछले सालों से इस साल का रिज़ल्ट हमारा फिर भी बेहतर था, और आने वाले समय उम्मीद करते हैं कि हमारा स्टाफ और मेहनत करेगा ताकि इसको और आगे बढ़ाया जा सके. जैसे क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एकेडमी है Dashamesh Academy, जो एक ऐसा वेंचर है जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है और बहुत ही खुला डुला यहाँ पर हॉस्टल्स हैं, और NRIs के लिए और उन भाइयों के लिए जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंडिया में रहकर स्टडी करें, उनके लिए ये एक वरदान है, क्योंकि NRI जो हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो खाना है उनको बढ़िया मिले, बच्चों का माइंड सेटअप, उनको स्टडी बढ़िया मिले, और उस सभी में सक्षम है Dashamesh Academy. आपने NRIs की बात की, मैं जनरल बात करना चाहता हूँ. मकसद इस अकेडमी का था, जो पिछड़े गाँव से बच्चे आते हैं, फ्रॉम द पुअर फैमिलीज़, वो भी आए, उनको एडमिशन दिया जाए ताकि उनको अच्छी शिक्षा दी जा सके, और हम उस प्रयास में सफल रहे हैं. अभी आपके आने के पहले एक बच्चा आया था जो फतेहगढ़ UP से आया है, 10th क्लास में सिर्फ उसके 50% मार्क्स हैं, लेकिन जिद कर बैठा कि हमने एडमिशन यहाँ लेना है. तो हमने कहा ठीक है, हमारी कोशिश होगी आपको सुधारने की. और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने एज अ पर्सन, हमारे एक कर्नल सत्संगी थे, उन्होंने अपना स्कूल खोला दिल्ली में, और जब मैं 99-2000 को मिला, मैं कहा सर आप यहाँ बच्चों का एडमिशन देते हैं किस आधार पे देते हैं, सारे अच्छे बच्चे लेते हैं? कहते नहीं घुमन, हमारा प्रयास ये होता है कि जो बच्चा कहीं एडमिशन ना पाए हम उसको एडमिशन देंगे, और अगर वो 8वीं फेल आता है तो 9वीं में एडमिशन देता हूँ, ताकि हम प्रयास करके उसको आगे बढ़ा सकें. हमने उनसे ये सीखा, और हमारी कोशिश भी यही रही, हमने कभी कोई गरीब बच्चा आया या पुअर बच्चा आया उसको मना नहीं किया, कोशिश अपनी तरह से पूरी की ताकि वो आगे बढ़ सके. अभी आपके सामने एग्जांपल दिया है, सूबेदार साहब आए हैं अपने बच्चे का, हम एडमिशन नहीं देना चाहते थे बच्चा, लेकिन बच्चा भी अड़ गया, हमने कहा ठीक है हम चांस देते हैं तुमको, और मैंने ऑलरेडी 2 टीचर्स को दे रखा है, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है इसकी. तो
कोशिश हमारी, आपने एनआरआई की बात की, एनआरआई भी आएंगे तो हमारी स्ट्रेंथ जो है डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन के आधार पर ही सारे काम होते हैं। अगर माइंड डिसिप्लिन है तो ज़िंदगी डिसिप्लिन रहेगी। हम इसी को आधार मान के आगे चलते हैं और बच्चों में अनुशासन को भरना, इसको अपना परम कर्तव्य समझते हैं और इसमें हमारी कोशिश जारी है। सर, जो बच्चे हॉस्टलर हैं जिनके लिए एक रूटीन होता है कि उन्होंने सुबह कितने बजे उठना है, अपनी प्रेयर करनी है, योग करना है, ब्रेकफास्ट आपका किस समय पर है, उनको एक प्लान्ड जो वे यहाँ मिलता है, और लड़के और लड़कियों के लिए बिल्कुल अलग अलग हॉस्टल हैं, और लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, लड़कों के लिए अलग हॉस्टल है, और यहाँ के वार्डन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं आए। हॉस्टल में बच्चों को हम इजी लाइफ की तरफ ले जाने के लिए नहीं रखते हैं, हम उनको कंफर्ट जोन से निकालना चाहते हैं। बच्चे की एक रूटीन, एक सेट रूटीन होनी चाहिए। सुबह यहाँ पे हम 5:30 बजे उनको फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं आधे घंटे, उसके बाद बच्चे नहा धो के 7 से 8 बजे टीचर्स वहाँ पे होते हैं ड्यूटी पे, जो उनको हेल्प करते हैं पढ़ाई में, सेल्फ स्टडी, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके बच्चे दोपहर को यहाँ आते हैं और दोपहर को 2 बजे तक क्लासेस चलते हैं। फिर लंच के बाद रेस्ट करके 3:30 से 4:45 तक फिर उनकी स्टडीज़ होती हैं, ताकि उनको जो काम दिया गया उसमें टीचर्स की मदद है, 4-5 टीचर ड्यूटी पर रहते हैं, उनके सपोर्ट करते हैं, जो डाउट है क्लेरिफाई करते हैं। फिर उसके बाद कंपलसरी गेम्स है बच्चों के लिए, बच्चे अपना फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, हालांकि बच्चे कोविड के बाद कम हो गए हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारी कोशिश ये होगी कि हॉस्टल में और बच्चे आएँ। हमने श्रेष्ठा स्कीम के अंतर्गत भी गवर्नमेंट के कुछ बच्चे गरीब घर के एक्सेप्ट किए हैं, और इस बार उम्मीद करते हैं कि वहाँ से भी और बच्चे भी आएंगे। तो एजुकेशन देते समय हम ये नहीं सोचते बच्चा किस घराने से है, किस बैकग्राउंड से है, हमारे सारे एक जैसे हैं। हम उनको एक डिसिप्लिन वैल्यूज़ देना चाहते हैं, ताकि वो आगे अपनी ज़िंदगी में आत्मनिर्भर होकर जी सकें। सर, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि देर आर सो मैनी बुक्स, और जैसे आप ईगो को कैसे मारना है, ऑब्स्टिकल कैसे आपके वे को जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं, जनरल साहब आपने ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और नहीं आप क्रिएटिव इंसान हैं और चाहते हैं कि मेरे बच्चों को मैं ये बुक्स हैं जो जिनको आप पढ़ के और नई जो है क्रिएशंस कर रहे हैं, और इस एकेडमी को, क्योंकि लोगों को हैरानगी होती है यार, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, जो चीज़ नहीं आती है वर्ड की, जो नई चीज़ आती है स्टडी में, वो आप कोशिश करते हैं कि दशमेश में दें। ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ मानकर चले हैं, हम दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। नॉलेज है तो नॉलेज देंगे, कंफर्ट्स है तो कंफर्ट देंगे। आपने मेरे सामने कुछ रखी किताबें देखी, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ये इसलिए कि बच्चे भी अगर देखें तो मोटिवेट हो कि इन किताबों को पढ़ने का कोई मकसद है। व्हेन यू टॉक अबाउट ऑब्स्टेकल्स इन द वे, ज़िंदगी में अड़चनें आती हैं, अड़चनों से लड़ना और लड़के आगे बढ़ना। कल ही मेरा क्लास में एक लेक्चर था जिसमें हमने इसी बात पे डिस्कशन किया था, चैलेंजेस आर अ वे ऑफ लाइफ, इफ़ यू वांट टू मूव अहेड इन लाइफ यू हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस इन लाइफ। इसी प्रकार डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, अनुशासन ही आपका भविष्य बनाने का काम करता है। ईगो इज द एनिमी, शख्स के अंदर ईगो जो है तो सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हम सब कुछ पा लेते हैं ज़िंदगी में, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों सोचते हैं हमसे कम है, नहीं, वी नेवर थिंक दैट समबडी इज लेसर देन यू। ईगो शुड नॉट अफेक्ट, एंड ऑफकोर्स स्टिलनेस इज़ द की। अगर हमारा माइंड स्टिल हो गया, बॉडी स्टिल हो गई, तो आगे बढ़ना रुक जाता है। इस तरह की पुस्तकें बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि शायद उन पर कुछ असर हो और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। सर, जो अराउंडिंग डेवलपमेंट हम इस अकेडमी में बच्चों में भर रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात कर लें, देशभक्ति की बात कर लें, सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चा दशमेश एकेडमी में आएगा उसके मन में एनसीसी, और अगर हम एनएसएस की बात कर लें, और अगर हम बात कर लें देशभक्ति की बात कर लें, जैसे यहाँ जो भी 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, वो इस तरह से सेलिब्रेट की जाती है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस, बच्चों में देशभक्ति की भावना जो यहाँ पैदा की जाए। अभी मैंने बोला कि बच्चों में कोई भावना पैदा करना तो स्वयं उसको करना पड़ता है। आपने 15 अगस्त 26 जनवरी की बात की, हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट फंक्शंस करते हैं, और हम एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी से रिटायर हुए हैं, प्रिंसिपल भी हम भी, और हम बच्चों में ये भावना पैदा करने के लिए, हमको परमिशन है यूनिफॉर्म पहनने की ऐसे अवसर पर, और हम यूनिफॉर्म पहन के ही
15 अगस्त की परेड और 26 जनवरी की परेड करवाते हैं, ताकि बच्चों के अंदर एक फीलिंग हो, देश के प्रति जागृति पैदा करते हैं और उनमें एक अनुशासन की फीलिंग उनके, और उनको एक यूनिफॉर्म का लगाव देना चाहते हैं ताकि वो भी आगे चल के देश की सेवा यूनिफॉर्म में आके कर सकें। सर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग लॉन्ग डाटा, आपका हमें समझ देने के लिए और स्कूल के बेटर रिजल्ट्स के लिए हम चाहेंगे कि 23-24 में और भी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर की जाए, और जैसे आप चाहते हैं, अगर आपके विजन से चल पड़ेगी एकेडमी, अगर आपके विजन से टीचर्स उसी तरह से सेवा करेंगे, आप नो डाउट कि वो बहुत कर रहे हैं, और बच्चे अगर वही पढ़ जाएंगे तो ये दशमेश एकेडमी वर्ल्ड की नंबर वन तो है ही, और इससे भी जो है आगे जाएगी। मैं अपने आप को कभी भी नहीं सोचा वर्ल्ड के नंबर है या कंट्री का नंबर वन है, हमारा प्रयास है अपनी तरह से बेस्ट देना, और जब तक कोशिश यही होगी, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट टिल यू कैन गिव योर बेस्ट, दैट्स ऑल, थैंक यू। बेटा, जो 10th में आप लोगों ने बेटर रिजल्ट्स लिए और इस एकेडमी का नाम भी रोशन किया, क्या कहना चाहेंगे कि कैसी यहाँ स्टडी थी और कैसे आपने अपने मार्क्स लिए, आपका नाम क्या है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम हरजोत सिंह है, और यहाँ पे स्टडीज़ मीन्स भी हमारे स्कूल में बहुत अच्छी होती हैं, टीचर्स हर कंसेप्ट अच्छे से समझाते हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि आपका बढ़िया रिजल्ट आया, और सर ने स्पेशल रूप से टीम को बुलाया है, चैनल वाली को, हमारी को, कि हमारे उन बच्चों को आपने आगे लेकर जाना है, उनकी हमने बाइट करानी है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है, क्या नाम है आपका, कितने मार्क्स आए? मेरा नाम आर्यन है और मेरे 86.4% आई है ओवरऑल। और कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कहना चाहोगे दशमेश एकेडमी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाते हैं। आप हॉस्टल रहे? नो, डे स्कूल। बेटा, क्या कहना चाहेंगे कि दशमेश एकेडमी में 90 से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, उनमें आप भी एक हैं, क्या कहना चाहेंगे, आपके कितने मार्क्स हैं और यहाँ और कितने कितने मार्क्स आए हैं? मेरा नाम विनय शर्मा है, मैंने 94% स्कोर किया है, जो मेरे फ्रेंड्स है क्लासमेट्स उन्होंने भी अच्छे बड़े अच्छे नंबर स्कोर किए हैं, एक 95% और एक 94.6, मैंने थर्ड पोजीशन स्कोर की है स्कूल में, और स्कूल की स्टडीज़ बहुत अच्छी हैं, टीचर्स बहुत रेगुलरली स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहते हैं स्टडीज़ के लिए, और रेगुलर स्टडीज़ होती हैं। और लगता है कि 12th में हम लोग इससे भी ज़्यादा बहुत ही पोटेंशियल के साथ, क्योंकि 12th में भी आपने बच्चों ने बहुत बड़ी जो है मल्ले मारी हैं, कि हम लोग उससे भी ज़्यादा 12th में अपनी मेहनत करेंगे। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं स्कूल का भी नाम रोशन कर सकूं। दशमेश एकेडमी की उस टीम के साथ जो प्लस टू में हुई है, और जो बढ़िया रिजल्ट जो प्लस टू के आए हैं उनको देखकर पूरे उत्साहित हैं ये लोग, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों के मन में भी एक भावना, जैसे बढ़िया रिजल्ट आए हैं तो हम लोग भी यही चाहेंगे कि हमारी जो फ़ोटो है वो भी बोर्ड के ऊपर लगे, क्या कहना चाहेंगे आप सभी लोग? यस सर, जैसे हमारे सीनियर्स ने हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, इसलिए हम भी चाहेंगे कि हम भी उनकी तरह अपने स्कूल का नाम आगे रोशन करें। बेटा, क्या कहना चाहेंगे कि वही एटमॉस्फेयर, वही पहाड़ों की वादियों में बसा हुआ ये जो दशमेश एकेडमी है, जिसमें आकर बंदे को ग्रीनरी, आकर ऑक्सीजन की मात्रा, खुशबू, और सबसे बड़ी बात यहाँ के जनरल साहब जिनका विज़न ये है कि हमने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है। हमने सर बड़ी बार देखा है कि जहाँ पे मतलब स्टडीज़ होती हैं वहाँ पे मतलब सर इन्वायरमेंट वो सही चाहिए, तभी सर मतलब कंसंट्रेशन जो है ना वो सही लगेगी। और क्या लगता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की सर बहुत बढ़िया है सर? यस सर, जैसे हम मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में देखते हैं कि सिटीज़ के बीच में बसे हुए होते हैं और वहाँ पे हर टाइम शोर शराबा आता रहता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है जिससे हम अच्छी तरह फोकस कर पाते हैं। बट कैसा महसूस कर रहे हैं कि अभी प्लस टू का एग्ज़ाम में 10th का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया है, क्या कहना चाहोगे कि हम लोग उससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और प्लस टू में हम चाहेंगे कि हम सभी 90 से अबव जाएँ? यस, बिल्कुल, ऐसा हमारे सीनियर्स ने किया है तो हम भी चाहते हैं कि हमारी भी अपने बोर्ड पे तस्वीर लगे और हम भी अपने स्कूल का नाम रोशन करें। तो क्या कहना चाहेंगे कि हॉस्टल की फैसिलिटी की बात कर लें तो वर्ल्ड क्लास हॉस्टल फैसिलिटी, खाना और रहना सहना, और जिस तरीके से आपको ट्रेनिंग एक तरह की, जैसे हम लोग आर्मी की ट्रेनिंग कहें वैसी ट्रेनिंग है यहाँ पर, जो क्योंकि हम लोग जब सुबह उठते हैं एक्सरसाइज करते हैं और हमारा जो माइंड सेटअप है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है। हाँ जी बिल्कुल, ये इधर अपने फैसिलिटी बहुत अच्छी है हॉस्टल में, और साथ में इधर का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, और हमें सुबह हमारी जो पीटी होती है मॉर्निंग पीटी वो भी होती है, सारा कुछ एनडीए टाइप का मतलब ये ट्रेनिंग दे रहे हैं अच्छी तरह, और 3 टाइम ये हमें मतलब स्टडी करवाते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ब्रेकफास्ट मज़ेदार होता है? ब्रेकफास्ट भी बहुत मज़ेदार होता है, बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। शाम को चाय के साथ भी कोई ना कोई पकौड़ा शकौड़ा मिल जाता है?
रूह अफजा मिल जाता है, चाय मिल जाती है, नींबू पानी मिल जाता है। तो उससे हमें और इनकरेजमेंट मिल रही है कि हम भी वैसा ही करें और ताकि हमारे स्कूल का नाम और आगे जा सके। और लगता है कि वैसी स्टडी हो रही है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे को लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, हर चीज़ हमारी मतलब एक प्लान्ड वे से है। यस सर, सब कुछ प्लान्ड है, अच्छे तरीके से वेल फर्निश्ड है, तो हमें इजी हो जाता है वैसे। अगर बेटा क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के जनरल सर हैं वो हमें लड़की नहीं, हमें फेस करना नहीं कि हम लोग अबला हैं, वो नहीं है। यहाँ पर हमें एक शक्ति दी जाती है कि यू हैव टू फेस द एनवायरनमेंट। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है सर, यहाँ पे जैसे लड़के वैसे लड़कियाँ हैं। और इसमें आपका हौसला बुलंद होता है कि जैसे लड़कियों को भी पूरी तरह से फाइट करना है, योगा करना है, NDA में या NSS में भाग लेना है, तो लड़के भी पूरी तरह से सक्षम है। यस सर। और यहाँ की स्टडी कैसी है? सर स्टडी अच्छी है। और लगता है कि प्लस टू का जो एक मार्वलस रिजल्ट आया इस बार, इस अगली बार हम लोग उससे भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। यस सर, अगली बार इससे भी ज़्यादा बढ़िया। सर क्या कहना चाहेंगे कि जैसे टेंथ और प्लस टू के रिजल्ट्स आए हैं और जिसमें हमेशा की तरह दशमेश एकेडमी ने बहुत ही मल्ले मारी हैं और बच्चों ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए हैं, बच्चों ने अब 90% काफ़ी बच्चे जो हैं वो स्कोर किया है, क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा लग रहा है, स्कूल का एकेडमिक हेड होने के नाते खुशी की बात है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद अभी भी थोड़ा कोविड का इफेक्ट था, अदरवाइज़ रिज़ल्ट और भी बहुत अच्छे हो सकते थे, क्योंकि ये जो कोविड का ब्रेक आया है, इस ब्रेक के मारे बच्चों की का फोकस अभी भी पूरी तरह नहीं आ पा रहा है और बच्चे लगातार बैठ नहीं पा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनकी राइटिंग की भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि डिस्पाइट ऑल दीज कॉन्स्ट्रेंट्स रिज़ल्ट अच्छा है। सर 2022-23 का जो सेशन निकला है उसमें बहुत बढ़िया तरीके से हर सारे साल में सेवाएँ जो है दशमेश अकेडमी ने की है, नया सेशन शुरू हो चुका है और बहुत सारे स्कूलों से हटके बच्चे जो हैं दशमेश अकेडमी को उन्होंने प्रेफर किया है, क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग उनकी कसौटी पर वैसे ही खरा उतरेंगे जैसे हम लोग पहले सेवा दे रहे हैं, उससे भी ज़्यादा जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात कर लें, गेम्स की बात कर लें, R&D डेवलपमेंट की बात कर लें, तो वैसे ही हम लोग एक नया जो है बच्चा, जो बच्चा दशमेश अकेडमी का दशमेशन में वही एनर्जी भरेंगे। बिल्कुल, एक्चुअली हमारा मकसद ही जो है वो होलसम डेवलपमेंट है, यहाँ पे एक 3D पर्सनैलिटी डेवलप करने की कोशिश हम करते हैं। एकेडमिक्स पे तो ध्यान रखते ही हैं, उसके साथ साथ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, और जो एकेडमिक्स भी हैं वो भी काफ़ी कुछ एक्टिविटी बेस्ड है और उसको हम और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि CBSE भी बहुत आजकल जोर दे रहा है कि जो एकेडमिक एजुकेशन है इट शुड बी एक्टिविटी बेस्ड, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो जितनी भी जहाँ तक पॉसिबल है हम कोशिश करते हैं। दो कभी कभी टाइम कॉन्स्ट्रेंट होता है क्योंकि इतनी एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं, ओवर एंड अबव अलग अलग मिनिस्ट्रीज से भी आते हैं लेटर्स, जो कभी स्वच्छता अभियान मनाना है, कभी गांधी जी की जयंती उस पूरे महीने में मनानी होती है, तो इस तरह से बहुत सी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ को हम उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं टाइम कॉन्स्ट्रेंट के मारे, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन हो उतना बच्चे का डेवलपमेंट, उसकी लर्निंग और ज़्यादा अच्छी होगी। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों के जो भी बच्चों ने अपना मापदंड तय किया है उस पर हम भी खरे उतरें, सिर्फ बच्चों से ही आशा न रखें कि वो हमारे मापदंड पे खरे उतरें, क्योंकि अब जो है ये एजुकेशन हैज़ टू बी स्टूडेंट सेंट्रिक, इट कांट बी स्कूल सेंट्रिक। सर जैसे आज के जो बच्चे हैं वो लोग ऑनलाइन मीडिया के साथ और इंस्टा, गूगल और नई नई चीज़ें वो क्रिएट करते हैं, और उसमें आप लोग भी अपने टीचर को जैसे आप गाइड करते हैं कि आपने भी अपने आप को पूरी तरह से सक्षम रखना है, आपने खुद भी स्टडी करनी है और उसी तरह की स्टडी करनी है कि हम लोग एक किताब से नहीं बल्कि हम एक नॉलेज के साथ पढ़ा सकें। जी हाँ, देखिए ये छोटी जगह होते हुए भी आप देखेंगे कि एकेडमी में हर फैसिलिटी है, हमारा पूरा कैंपस अभी जो है वो वाईफाई है और हर क्लास स्मार्ट क्लासरूम है, हमें
रोट लर्निंग नहीं करवानी है, यही हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भी इसके बारे में बात करती है कि हमें रोट लर्निंग से बच्चे को अलग हटाना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, बच्चे का कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है, बच्चे को ऐसी चीज़ें सिखानी है जो भविष्य में उसके काम आएँ, जो उसके रोजी रोटी कमाने के काम में आ सकें। तो हमारी भी इम्फेसिस उन्हीं तरफ है कि हम जो असेंशियल स्किल्स हैं उनको ज़रूर हर बच्चे में डेवलप करें। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी हम हैं उस स्टाफ के साथ जिन्होंने बहुत मेहनत की, और जैसे हमने देखा कि प्लस टू और टेंथ के जो मार्वलस रिजल्ट्स आए हैं, बात करेंगे टीचर्स के साथ। सर, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत का जो है वो फल है कि बच्चों ने इतने बढ़िया मार्क्स लिए हैं, क्या कहना चाहें? सर, बेसिकली इट्स द रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ द हार्ड वर्क डन बाई ऑल द टीचर्स एंड वी हैव डन हार्ड वर्क एज ए टीम एंड especially our leadership is so much good that they have provided us all the facilities, especially smart class, audiovisual aids, and we are teaching here with audiovisual aids, and basically we focus on the basics here. We have got the good result here. क्या कहना चाहेंगे कि छुट्टी का समय है, लेकिन आप लोगों की आंखों में ग्लो जो है वो ये है कि हम लोग अभी अभी आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसी ऐसी एनर्जी है जो दशमेश एकेडमी में आप लोगों को मिल रही है कि आप लोग थके थके तो लग ही नहीं रहे, आप लोग तो पूरे एनर्जेटिक लग रहे हैं, छुट्टी हो रही है। या ऑफ कोर्स दिस इज अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन आई शुड से। Like every year, this year again, the students of Shri Dashmesh Academy had put up a brilliant performance. And it had been possible mainly due to the fact that right from day one, the students had been following the CBSE curriculum and under the able guidance of the principal and the director. The teachers had been working very hard, and that is the reason why the students could put up a brilliant performance. So credit goes to the school, credit goes to the director, principal and the students. Thank you. Of course, to the parents as well, those who had been the guiding force for all the students. Thank you. Yes, good afternoon, everyone. I think in academy it has become a tradition that every year we are going giving better and better results. We are no doubt working as a team. We have been working since so long time for the betterment of this campus and our students, and we promise that we will keep on doing hard work and we will do our best to maintain this record. We are going to perform well and well everywhere. Thank you. पहले तो मैं सारे बच्चों नूं, उन्हां दे मापियां नूं अते सारे स्टाफ मैंबरां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहवांगा अते दूजा इन्हां नूं धन्नवाद भी करना चाहवांगा, क्योंकि इन्हां ने जो एफर्ट किया है, चाहे वह बच्चों ने किया है, चाहे वह माँ बाप ने किया है या टीचर्स ने किया है, वो एफर्ट ही है जो बच्चों के इस सक्सैस वास्ते रिस्पोंसिबल है। बाकी रही साड़ी एनर्जी की गल, तो दशमेश अकैडमी हमेशा ही चढ़ती कला च हुंदी है, तो हमेशा ही चढ़ती कला च रहेगी। तो चाहे दिन होवे चाहे रात होवे, साडा स्टाफ हमेशा मेहनत करन लई बच्चों के सवाल जवाब दा जवाब देने लई, सवालों के जवाब देने लई, ते उन्हां नूं होर अगे उच्चे पद्धर ते लेके जाण लई जो असी कर सकते हैं असी जरूर करांगे और करदे रहे और करांगे। बाकी रिजल्ट की गल हैगी है, तो आपां देख रहे हैं पिछले कई सालों तो साडे रिजल्ट जिहड़े हैगे आ वो होर वधिया ते वधिया होंदे जा रहे हैं। तो मैं परमात्मा अगे यही अरदास करता हाँ कि अकैडमी जिहड़ी हैगी दशमेश अकैडमी हमेशा चढ़दी कला च रहे, तो ये बच्चे जिहड़े हैगे वो बहुत वधिया तरीके नाल अपनी जिंदगी विच जो उन्हां दे मुकाम हैगे वो हासिल करन। धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम माई सैल्फ आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट्स ऑल द पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड माई स्टाफ मैंबर्स, दोज हू डिड देयर बेस्ट टू गेट अ गुड रिजल्ट। One thing, sir, it is a very important the scenario and the atmosphere to give a good result, and that's our academy is providing this one. All our teachers, our managements, they are on their toes to give the good result here, and the result is here that this time we are on very good position. Not this time, every year we are giving the very good results, but this time it is the marvelous result we provide here. So we again thank you for you to we come here to take our opinions regarding our results. Thank you, sir. बहुत अच्छा हम environment provide करते हैं बच्चों को, so that's why लोग हमारे पास आते हैं श्री दशमेश अकेडमी। हम रह भी यहाँ पर रहे हैं जो बर्थ प्लेस ऑफ खालसा है, श्री अनंतपुर साहिब। सो गुरु गोबिंद सिंह जी उनके नेम पर ये अकेडमी हमारी चल रही है, दशमेश अकेडमी। तो इस अकेडमी में जैसे एक शब्द हम पढ़ते हैं, देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्मन्ते कबहू नटरो, नटरों अरसो जब जाए लड़ो, निश्चय करे अपनी जीत करो।
तो हम बच्चों को भी यही बताते हैं कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली इन एजुकेशन, ओवर ऑल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स, बिकॉज हम यहाँ पे एक बोर्डिंग स्कूल चला रहे हैं और इस बोर्डिंग स्कूल में बच्चे हमारे पास रहते हैं और इस बोर्डिंग स्कूल में हम उनको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं. फ्रॉम मॉर्निंग टू लेट नाइट तक बच्चों का स्केड्यूल बना हुआ है पूरा, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं. गेम्स करवाई जाती हैं, अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं. तो इवन जो आर्म्ड फोर्सेज में स्केड्यूल्स फॉलो किए जाते हैं, बिकॉज हमारे डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, ये दोनों ही मीन्स आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन कोर से. तो ये वो सारे चीज़ें इम्प्लीमेंट यहाँ पे की हैं, जितना भी टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंगली हम सब फॉलो करते हैं. तो बच्चे गाइडलाइंस टीचर्स की हैं, पेरेंट्स की हैं. तो लर्निंग, जैसे हम सबको पता है, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, नॉट ओनली इन टू द स्कूल, इन आर कम्युनिटी, इन आर सोसाइटी हम सब चीज़ें लर्न करते हैं और उसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं टू बी अ गुड सिटीजन. सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी फॉर द रिजल्ट्स एंड डेफिनेटली आने वाले समय में भी हम बहुत अच्छा करेंगे और बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू सो वेरी मच सर. इट इज़ द कॉमन एफर्ट ऑफ ऑल द स्टाफ, all the parents and students also, they have done well due to the experienced staff. हमारे पास जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आता है सर. मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, पर यही है कि हम सबका एफर्ट है, हर टीचर्स का प्लस बच्चों का. बिल्कुल हम इग्नोर नहीं कर सकते कि बच्चों ने एफर्ट नहीं किया, बच्चों ने बहुत एफर्ट किया है. बट वॉट एवर वी आर फॉलोइंग, लाइक हम सैनिक स्कूल को फॉलो कर रहे हैं, सैनिक स्कूल में जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं, द सिस्टम है, हम उसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे और भी अच्छा करें. और आई एम रियली ग्रेटफुल कि हमारे बच्चों ने टीचर्स को बिल्कुल फॉलो किया है एंड दे हैव गिवन वेरी गुड रिजल्ट एंड इन फ्यूचर दे विल डू मच बेटर. थैंक यू. जैसे अपने बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो खुशी होती है पेरेंट्स को, उसी तरह से जब हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आता है तो हमें उससे भी ज़्यादा खुशी होती है जब बच्चे आके हमें बताते हैं कि हमारा रिजल्ट इतना अच्छा आया. तो आई कैन जस्ट से कि इट्स नॉट द एफर्ट ऑफ वन पर्सन, इट्स द एफर्ट ऑफ द टोटल टीम एज वेल एज द गाइडेंस ऑफ आवर लीडर्स. थैंक यू सो मच.